जहां पना, क्या मैं आपको कोई दिलचस्प कहानी सुनाऊं? नहीं। तो जहां पना, मैं आपको कोई चुटकुला सुनाऊं? नहीं। हुजूरे वाला, मैं आपको कोई जादुई करिश्मा दिखाऊं? नहीं। तुम जादूगर कब से बन गए? बीरबल कहाँ है? वो अभी तक आया क्यों नहीं? आपको मालूम ही है हुजूर, वो तो देर से ही आते हैं। क्योंकि वो आपके पसंदीदा हैं, इसका फायदा उठाते हैं वो। जब शहंशाह समय से दरबार में आ सकते हैं, तो वो क्यों नहीं आ सकते? हाँ, वो क्यों नहीं आते? और हुजूर, वो बड़ी चालाकी के साथ आपको मना लेते हैं हुजूर, कुछ कहानियाँ गढ़ कर। वो गढ़ी हुई कहानियाँ नहीं होती, वो तो बहुत ही सूझबूझ और मायने रखने वाली कहानियाँ होती हैं। अगर बीरबल वाकई इतने अकलमंद है हुजूर, तो वो बैल का दूध लेकर आए और अपनी अक्ल साबित करें। बैल का दूध, हाँ लगता है ये मौका अच्छा है देर से आने के लिए उसकी खिंचाई करने का और उसे एहसास कराने का कि शहंशाह सभी के साथ बराबरी का सलूक करते हैं। हाँ, ये एक ऐसी चीज है जो बीरबल कभी हासिल नहीं कर सकता। शहंशाह सलामत रहें। दुनिया में कोई भी काम नामुमकिन नहीं है हुजूर। बीरबल, मैं जानता हूं तुम बहुत अकलमंद हो, बहुत चालाक हो, बहुत दिमागदार हो, तो क्या तुम मुझे बैल का दूध लाकर दे सकते हो? बैल का दूध? हाँ, तुमने अभी तो कहा दुनिया में कोई भी काम नामुमकिन नहीं है। कल तक ले आओ, नहीं तो छोटे ओहदे को लेने को तैयार रहो। बैल का दूध? देखो कैसा परेशान लग रहा है। वो बैल का दूध लेकर कहाँ से आएगा? वो ये काम कभी नहीं कर सकते, नामुमकिन नहीं है बैल का दूध। पिताजी, क्या बात है, आप इतने गंभीर क्यों हैं? क्योंकि मुझे शहंशाह के लिए बैल का दूध लेकर जाना है। क्या, बैल का दूध? गाय दूध देती है, ना कि बैल। जानता हूँ, फिर भी मुझे लेकर जाना है। लेकिन कैसे? वही तो मैं भी सोच रहा हूँ। ध्यान से सुनो, ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगी, आपके सारे कपड़े लेकर जाऊंगी। शाबाश मेरी प्यारी बच्ची। वहां वो रहा कुआं, मैं उस पेड़ के पीछे छिप जाता हूं। कौन है जो इतनी रात को कपड़े धो रहा है? वहां कुएं के पास कौन है? ए तुम, मैं तुमसे पूछ रहा हूं, तुम यहां इतनी रात गए क्या कर रही हो? मैं तो कपड़े धो रही हूँ शहंशाह। ए नादान बच्ची, तुम यहाँ कपड़ों का इतना बड़ा ढेर धोने के लिए लेकर आई हो? तुमने मेरी नींद हराम कर दी। सिपाहियों, मैं माफी चाहती हूँ शहंशाह, मुझे ये सारे गंदे कपड़े अभी ही धोने हैं। मेरी माँ मेरे दादाजी के घर गई है और उनकी गैर मौजूदगी में इतनी रात गए मेरे पिताजी ने एक खूबसूरत बच्चा पैदा कर दिया है।
तुम्हारा कहना है कि तुम्हारे पिताजी ने एक बच्चे को पैदा किया है? हाँ किया है शहंशाह। बाप ने एक बच्चा पैदा किया है? बच्चा और पिताजी दोनों ठीक हैं, आराम से सो रहे हैं। एक आदमी बच्चा कैसे पैदा कर सकता है? ये नामुमकिन है। जी हाँ मुमकिन है हुजूर, मुमकिन है। दुनिया हैरत भरी चीजों से भरी पड़ी है। जिस दुनिया में बैल का दूध सरेआम मिलता हो, तो आदमी का बच्चा देने वाली बात सुनकर आप इतने हैरान क्यों हुए हुजूर? बैल का दूध? ओ समझा, मैंने बीरबल को बुलाने को कहा था। क्या तुम बीरबल की बेटी हो? जी हाँ जापना, मैं उन्हीं की बेटी हूँ। जैसा बाप वैसी बेटी, तुम भी बहुत होशियार हो। अब घर जाओ और सो जाओ। मैं मानता हूँ कि मैंने बीरबल से बैल का दूध मंगाकर बेवकूफी की, मुझे ऐसा नहीं करना था। बीरबल? जी हाँ हुजूर, इस वक्त आपको जगाने के लिए माफी चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। बीरबल, तुमसे जीतने से बैल का दूध लाना आसान है, तुम बहुत दिमागदार आदमी हो। अब घर जाकर सो जाओ। अगर तुम दरबार में देर से आए तो भी मैं तुमसे कुछ नहीं कहूँगा। शुक्रिया शहंशाह। शब्बा खैर शहंशाह।